please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हरियाणा के झज्जर में निशानेबाज मनु भाकर के परिवार में लोग मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाते नजर आए। मनु भाकर ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, जिसकी खबर मिलते ही उनके परिवार के लोग खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। इतनी खुशी है बस वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता मैं। आसपास के गांवों से लोगों के बधाई संदेश आ रहे हैं। उधर पंजाब के पटियाला में भी निशानेबाज हीना सिंधु के घर पर लोग जश्न मनाते नजर आए। 10 मीटर एयर राइफल कॉम्पिटिशन में हीना सिंधु ने दूसरे नंबर पर रहकर सिल्वर मेडल जीता। सीरा की राजधानी दमिश्क के पास दोमा इलाके में एक अस्पताल में कुछ लोग एक आदमी पर पाइप से पानी की बौछार करते नजर आए। आरोप है कि इस इलाके में सेना ने केमिकल हमला किया जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हमले की चपेट में आए सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केमिकल हमले की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आए, जिनमें कई बच्चों की हालत गंभीर बताई गई। अस्पताल कर्मियों और बचाव दल के सदस्यों ने केमिकल हमले की वजह से बच्चों पर भी अस्पताल में ही पानी की बौछार की। इससे पहले सोशल मीडिया पर केमिकल अटैक का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें हमले के बाद इस इलाके में भीषण आग लगी हुई दिखाई दी। इसके साथ ही इस हमले की चपेट में आए लोगों के शव और घायलों को बचाव दल के सदस्य बाहर निकालते नजर आए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में सीरिया में विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए केमिकल हमले की निंदा की। यही नहीं, इस हमले के लिए उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार बताया। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया के हालात पर एक बैठक बुलाई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक मंच पर अभिनेता से नेता बने रजनीकांत और कमल हासन एक दूसरे से गले मिलते दिखाई दिए। इस मंच पर तमिल फिल्मों के तमाम बड़े सितारे भी मौजूद थे, जो कावेरी जल विवाद पर विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। इस दौरान मंच पर रजनीकांत के दामाद धनुष के अलावा विजय, विक्रम, सूर्य और विशाल समेत कई तमिल कलाकार दिखाई दिए। ये सभी कलाकार केंद्र सरकार से कावेरी जल विवाद को सुलझाने की मांग कर रहे थे। विरोध में शामिल रजनीकांत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक CMB यानी कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो तमिलनाडु के लोगों के गुस्से की जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को IPL मैच के दौरान हाथ में काली पट्टी बांधकर खेलने की नसीहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के भीतर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के बनाए जाने का जिम्मा केंद्र सरकार को दिया था। ये समय सीमा 29 मार्च को पूरी हो गई, लेकिन केंद्र की तरफ से अब तक बोर्ड का गठन न होने से इन दिनों पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।